इसमें हमारे साथियों ने शराब मुक्त बिहार, दंगा मुक्त बिहार की बात की। जनाब, पहला संकल्प है मेरा, मैंडेटरी करूंगा मैं सीसीटीवी कैमरा 3 महीना के अंदर। हर 4 पोल पर सीसीटीवी कैमरा होगा। पदाधिकारी और नेता और ठेकेदार के घरों के चारों तरफ, ऑफिस के भीतर सीसीटीवी कैमरा होगा। बाजार में मैंडेटरी होगा। 4 महीने की उसकी वैलिडिटी डेट होगी सीसीटीवी कैमरा की। किसी को भी बाजार में सरकार जब भी 4 महीने के अंदर चाहेगी उसको देना होगा। सीसीटीवी कैमरा के अंदर कोई भी व्यक्ति के हाथ में पत्थर, वो पप्पू यादव का बेटा क्यों ना हो, जातियों को भड़काने वाला क्यों ना हो, या किसी हिंदू मुसलमान या सिख ईसाई के राइट में कोई नेता बनना क्यों नहीं चाहता, 3 महीना के अंदर उस पर चार्जशीट होगा उस पत्थर पर भड़काने वाला। और बिहार सरकार सबसे पहले उस भड़काने वाले और ठगा पैदा करने वाले और अपराधियों का वोटर लिस्ट से उसका नाम खत्म कर देगा, ताकि पंचायती राज में वो भाग ना ले सके। साथ साथ बिहार सरकार के हर सुविधा से उस परिवार को मैं वंचित कर दूंगा। बिजली, पानी, राशन कार्ड, आधार कार्ड, जो दंगा में होगा और जातीय उन्माद में होगा, वो नेता प्रभोग करता है। जातीय दंगा और धार्मिक दंगा का कोई कंप्रोमाइज पीडीए नहीं करेगी। मैं इसका पहले ही मैं दे चुका हूं अपने मैनिफेस्टो में, प्रतिज्ञा पत्र में। अध्यक्ष जी, 6 महीने में आपको हर जगह सीसीटीवी कैमरा मिले और कोई कंप्रोमाइज दंगा के परिवार के साथ नहीं होगा। हम कोई बैंकिंग सुविधा और बिजली पानी और टैक्स नहीं होने देंगे हम इस परिवार। हमें किसी पर गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास बहुत कानून है। दुबई में क्यों रोड पर पुलिस नहीं होती, सिर्फ पेट्रोल पंप पर पुलिस होता है? क्या कारण है कि दुबई के हर लोग आजाद है? क्या बिहार नहीं हो सकता? तरह बिहार नहीं हो सकता? इच्छा शक्ति और नेताओं की नियत की कमी थी, और पीडीए की इच्छा शक्ति नियत बिहारी है, और बिहार एशिया का नंबर 1 बिहार का बनाने का है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ जी। आपने कहा था कि 7 डिप्टी सीएम होंगे हर समाज से। एक मिनट, चंद्रशेखर जी पहले कुछ कहेंगे, उसके बाद सवाल देंगे। उसके बाद सवाल चंद्रशेखर जी कुछ बोलेंगे, तब आप हमसे सवाल लेंगे। देखिए, आज 14 अक्टूबर है और 14 अक्टूबर 1956 को परम पूजनीय बाबा साहब अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म शिक्षा ली थी, परिवर्तन की शुरुआत की थी। आज से बिहार में भी हम लोग परिवर्तन की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए पीडीए का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है उसकी घोषणा की गई है। दूसरा, 2 मामले बहुत जरूरी है जो मुझे आपसे कहने हैं। पहला तो बक्सर का है। हमारे पीडीए के जो फेस हैं, चेहरे हैं, उन्होंने ये बात रखी पप्पू भाई ने कि कल हमारा एक जो है प्रतिनिधि मंडल जो है